क्या करें दोस्तों, वीडियो बनाने का तो इच्छा नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी बना रहे हैं। मेरा बाबू के बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है, सर्दी खांसी बुखार, दवाई भी खिला रहे हैं तो दवाई जब तक खिला रहे हैं तब तक मेरा बच्चा ठीक रह रहा है और दवाई का असर ख़त्म होता है, मेरा बाबू के फिर से वैसे ही तबीयत खराब हो जाता है, सर्दी छूट भी नहीं करता है, रात में हम भर भर रात लेके बैठे रहते हैं, बैठले बैठले सुबह हो जाता है पते नहीं चलता है, क्योंकि मेरा बच्चा से देख ही सकते हैं यहाँ पे सोया हुआ है, अभी बहुत आराम से मेरा बच्चा अभी सोया हुआ है क्योंकि बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा आँख सब फुला लिए हैं मेरा बाबू रोते रोते। मेरा बच्चा को कुछ होता हम भगवान से यही कहते हैं, भगवान जितना दुख देना होगा हमको दे दीजिएगा, मेरा पति और मेरा बच्चा को नहीं दीजिएगा, लेकिन भगवान लगता है मेरा ही किस्मत में सारा दुख लिखे हुए हैं। इधर मेरा भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है इस टाइम, आप लोग से बता नहीं सकते हैं, और इधर मेरा बाबू का भी तबीयत ख़राब हो गया है, किस्मत में मेरा ही सारा दुख लिखा हुआ है, लगता है भगवान जी सब दुख हम ही को दे दिए हैं। मेरा भी पता ना क्यों पेट में भी दर्द होने लगता है, अचानक पेट दर्द करने लगता है, फिर इधर मेरा बाबू का भी तबीयत खराब हो जाता है, मन करता है अकेला बैठ के खूब रोएं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें। भगवान मेरा ही किस्मत में सारा दुख लिखे हैं, कभी तो अच्छा से रहने दीजिए। बाबू पेट में भी था तो तबीयत खराब, फिर ऑपरेशन होके भी बाबू हुआ, तकलीफ़ है हमको। देखिए मेरा बाबू भी कितना माम बच्चा रहे हैं, रोते रोते मेरा बच्चा की आँख फूल गया है, समझे आप लोग। देखिए अभी हम इसको क्या किए कि ठंडा पानी से बुखार बहुत था, तो हम इसको क्या किए कि ठंडा पानी से पोछ पाछ दिए। देखिए हम बता रहे हैं, पता ना किसी का नज़र लग गया है कि क्या, पूरा पानी से देह वगैरह पोछे, पोछ पोछ के उसके बाद काजर टीका करके उसके बाद सुताए बाबू को। आजकल दूध भी नहीं पीते हैं मेरा उतना, बहुत रोते हैं। अंदर से मन अच्छा रहता है तब तो खाने का भी मन करता है, जब बड़ा लोग के ऐसा एक दिन बुखार होता है तो ऐसा हालत हो जाता है तो सोचिए छोटा बच्चा है उसको कितना दुख होता होगा। भगवान से यही कहते हैं, भगवान जितना दुख देना होगा जितना तकलीफ होगा हमको देना, मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा को मत देना, क्योंकि हम झेल लेंगे, मेरा हस्बैंड मेरा हस्बैंड है तो हम हैं, और मेरा हम हैं तो मेरा बच्चा है, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो इसको खिलाएगा के पिलाएगा के, दोनों सलामत रहेगा। क्या कहेंगे, किससे कहेंगे, तो आप लोग प्लीज़ प्रार्थना करिए भगवान से मेरा बाबू जल्दी ठीक हो जाए। भगवान से हम ही कहते हैं, भगवान मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा का जो हुआ है हमको हो जाए लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए। क्योंकि देखिए एक माँ बनने के बाद पता चलता है कि बच्चा कैसे पाला जाता है, कैसे पूछा जाता है, कितना दर्द होता है, कितना पोसने में तकलीफ होता है, उसके बाद पता चलता है जब माँ बन जाता है तब। अभी मेरा बच्चा को ई हुआ है, अब हम जान रहे हैं ना कि हमको कितना तकलीफ हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। रात में मेरा बच्चा सांस नहीं ले पाता है, इतना ज़्यादा इसका दम फूलने लगता है कि क्या कहें। अभी देखिए अभी हम छत पे आए थे तो मम्मी बोली ले जाओ हवा में सुताओ, क्योंकि लाइन भी नहीं है घर में और अंधेरा था, इसीलिए मम्मी बोली जाओ तब तक छत पे रखो हम आते हैं। तो हम अभी बाबू के लेके छत पे हैं, बोले ठीक है जा रहे हैं, नहाए भी नहीं, बच्चा के चलते हमको छोड़िए नहीं रहा है, किसी के गोदी में नहीं धर रहे हैं, एक मेरे और मम्मी के, तो मम्मी का भी बहुत काम है, मम्मी काम करेगी कि बाबू को लेगी, या पापा भी घर पे नहीं है तो किसको देंगे, इसीलिए हम लेके बैठे हुए हैं, थोड़ा देर सोते हैं उठ जाते हैं, इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि हम डर जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ भगवान से प्रार्थना करिए मेरा बाबू जल्दी ठीक हो जाए, मेरा बाबू को बहुत तबीयत ख़राब हो गया है।
क्या कहें। देखिए अभी कैसे करते हैं, देखिए ऐसे नहीं करते करते उठ जाते हैं। अभी हवा थोड़ा बहुत लग रहा है ना, इसीलिए सोए हुए हैं। तो चलिए आप लोग के वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा बाबू के लिए आप लोग प्लीज़ प्रार्थना करिए, मेरा बाबू जल्दी ठीक हो जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। आज शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनाए, आप लोग देख सकते हैं जाके, मन ही नहीं कर रहा है बनाने का।